नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर कोरोना वायरस आपदा में शहीद हुए मीडिया कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ज्ञापन। उपरोक्त विषयांतर्गत यह सर्वविदित है कि भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तारतम्य में भोपाल में मीडिया जगत के 3 पत्रकारों का कोरोना संक्रमण के कारण दहशत निधन हो गया है। साथ ही फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट पत्रकारों को शासन से कोई सुविधा एवं आर्थिक सहायता न मिलने से पत्रकारों का मनोबल गिर रहा है, क्योंकि कोरोना काल में फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट पत्रकारों को वेतन न मिल पाने के कारण आज उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा, जबकि पूरे कोरोना काल में कवरेज के दौरान इनके द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए आमजन को कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की जाती है कि फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट पत्रकारों के कोरोना काल में अदम्य साहस को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें शासन द्वारा कंप्लीट पीपीई किट व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें। भव्य ज्ञापन दिया है गृह मंत्री जी को कि आज 4-4.5 महीने से कोरोना में पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, जिसके खातिर पूरी मीडिया 24 घंटे घर को घर नहीं समझ रही और सारे जगह लगे हुए हैं, कहीं बाहर, कहीं इधर, कहीं उधर। तो उसके कारण मैंने, जिसमें 3 लोगों की इस कोरोना के चक्कर में मौत भी हो गई है पत्रकारों की, कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी खातिर मैंने ये ज्ञापन दिया गया है कि सारे मीडिया कर्मियों को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सहायता करी जाए और उनकी तनख्वाहें भी आधी आधी मिल रही हैं। जो तनख्वाहें नहीं मिल पा रही पूरी, आज 5 महीने से वो घर कैसे चला रहे हैं, उस विषय के अंदर मैंने गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है।